हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन है क्लास 11th स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस साल 11th का एग्ज़ाम दिया है और अब वो 12th अपेयरिंग है। 10th स्टूडेंट के लिए मैंने अभी ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है, ये स्पेशली फोकस है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल 11th का एग्ज़ाम दिया है। और इस सेशन का क्या पर्पज़ है और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना ज़रूरी है। आप में से कई लोगों ने वीडियोज़ पर कमेंट्स भेजे हैं कि 11th की मैथ्स की पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, या ये साल हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या जैसा हमने सोचा था वो नहीं कर पाए, अब क्या करें सर। ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज हैं, रेगुलर फ़ोन आते हैं। तो जिन लोगों का 11th में मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छे से नहीं हो पाया, स्पेशली ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th को बहुत अच्छे से कवर किया है, उनके लिए सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो 12th में क्या करें जिससे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में वो IIT क्रैक कर सकें। बाकी जिन्होंने इस साल 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए उनको क्या करना चाहिए। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी हैं कि सर 11th में सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया तो क्या 12th में हम IIT की पढ़ाई छोड़ दें और केवल हम 12th पे फोकस करें। तो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको IIT या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं छोड़ना नहीं है। बेसिकली इस सेशन का फोकस जो है वो IIT या NDA या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो सकता है। मैं अगर आपको IIT वर्ड बोल रहा हूँ तो आप उसमें कन्फ्यूज मत होइए, अगर आप NDA दे रहे हैं तो भी यूज़फुल है, आपका टारगेट IIT मेंस है तो भी, एडवांस है तो भी, सभी के लिए। सबसे पहले हम समझें, मैंने 10th का जब सेशन लिया था उसमें एक ही बात बोली थी कि जब हम 10th से 11th में मूव करते हैं तो 10th और 11th का सिलेबस में बहुत डिफरेंस आता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि उस डिफरेंस को कई बार हम कवर नहीं कर पाते। या दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि 10th में तो हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, हम सभी बच्चों को, मैंने क्योंकि देखा है कि जो बच्चे 9 या 10 CGPA लाते हैं वही IIT की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद भी 11th में एकदम से परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो उसकी देयर आर टू रीजंस। रीजन नंबर वन कि हो सकता है आपने फाउंडेशन या फंडामेंटल पोर्शन को अच्छे से कवर नहीं किया। दूसरा, आप डायरेक्ट IIT के लिए पढ़ाई करने लगते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए ही हमें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अगर आपने 11th में मैथ्स के टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किए या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के तो क्या करना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स भी मेरे पास रेगुलर मिलने आते रहते हैं। अभी भी कुछ दिनों में बहुत सारे पेरेंट्स आए कि सर बच्चे का 11th में पोर्शन कवर क्लियर अच्छे से नहीं हो पाया, उसने IIT के लिए तैयारी की थी इस वजह से उसका 11th बिगड़ गया। तो मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा IIT या NEET या NDA की तैयारी कर रहा है और उसका 11th में परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, इसका मतलब है उसका प्रिपरेशन का डायरेक्शन राइट नहीं है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो उन सभी ने एक बात पूछी कि क्या अब 11th के टॉपिक को फिर से कवर करना चाहिए या 12th पे फोकस करना चाहिए। मेरा सजेशन ये होता है कि 11th के टॉपिक ऑब्वियसली फिर से कवर करना चाहिए। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो बोलते हैं सर अगर वो 11th के करेगा तो फिर 12th के कब करेगा। तो ये जो सेशन है इस बात को लेकर है कि आप 12th के साथ साथ 11th का जो पोर्शन आप अच्छे से कवर नहीं कर पाए वो कैसे कवर करेंगे। इसलिए मैंने 11th और 12th का पूरा सिलेबस लिखा है। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है इसलिए मैं मैथ्स की बात करूंगा, मैथ्स के कंसेप्ट बताऊंगा कि 11th 12th के साथ आपका पहला फोकस ऑब्वियसली 12th है और 12th में भी आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैथ्स में ये सेशन के बाद डेफिनेटली आप 12th मैथ्स में 100 out of 100 ही लाएंगे और एज वेल एज IIT NDA या जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं वो इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखिए आपने 11th क्लास निकाल ली, आपको ये पता है, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता कि आपने किस ढंग से साल भर पढ़ाई की है, ये आप ही जानते हैं। अब अगर आपका 11th का सिलेबस कवर नहीं है तो क्या करना चाहिए, क्या 11th के सिलेबस को छोड़ के 12th को कवर करने से काम चल जाएगा। चल तो सकता है पर वो 12th के हिसाब से चल सकता है, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं चल सकता। अगर हम इन टर्म ऑफ IIT की बात करें तो IIT में 40-60% का रेशियो रहता है नॉर्मली, कि 60% 12th का पार्ट है, 40% 11th का। पर मैं यहाँ उल्टा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 70% 11th है और 30% 12th है, ऐसे, क्योंकि अगर 11th के टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप 12th के टॉपिक कवर नहीं कर सकते। इसलिए ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें 11th तो कवर करना है पर कैसे करें, क्योंकि 12th में भी परफॉर्मेंस देना है ऑब्वियसली। अगर आप 12th में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपका 11th पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो हम क्या करें कि 11th के साथ हम 12th को भी, 12th के साथ हम 11th को भी कवर कर सकें, क्योंकि ये साल तो आपने निकाल दिया, अब नेक्स्ट ईयर आपके पास 1 ईयर है जिसमें आपको 12th में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। पर पहला फोकस मैं आपको बोलूँगा सभी पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी कि 12th का फोकस तो नहीं हटना चाहिए, एक सिवा
अगर आप 12th के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो छोड़ दीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ड्रॉप ले सकते हैं, बट 12th में परसेंटेज डाउन नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट IIT ने जो 75% का क्राइटेरिया रखा है उसका रीजन ही ये है कि बच्चे अपने 11th 12th फाउंडेशन को बहुत अच्छे से करें, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर उसके रखने का रीजन ही यही है। तो मैं ऐसे सभी स्टूडेंट या पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा या आप अगर आप स्टूडेंट हैं 12th में परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं आ रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वजह से, तो अगर किसी एक चीज़ को ड्रॉप करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करें। बट ये सेशन का पर्पज़ है कि अगर आप आज सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ड्रॉप करना है और कर दें, क्योंकि मैंने बोला है, तो मैं आपको बोलूँगा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस सेशन का पर्पज़ है कि अगर आपने अब तक ये मन बनाया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ड्रॉप करना है तो आज से ये मन छोड़ दें, बल्कि हम दोनों को मैनेज कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में स्टडी करके। और कैसे कि 11th के टॉपिक के साथ हम 12th को कवर कर सकें, मैं उस पर आता हूँ। आपको करना क्या होगा कि बहुत सारा सिलेबस 11th और 12th का रिलेटेड है, आप 11th की एक बेस बुक को ले लें। 11th को बहुत डिटेल में हो सकता है आप ना कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप बाद में करना अक्टूबर के बाद। पहला टारगेट आप ये रखें कि 11th की कोई बेस बुक ले लें, चाहे तो NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा, वॉट एवर, जो भी बुक आपके पास हो वो ले लें आप। अब करें ये, आप ज़रा ध्यान से देखें तो रिलेशन एंड फंक्शन 11th में भी है, रिलेशन एंड फंक्शन 12th में भी है। अब अगर जो टॉपिक 11th में वही टॉपिक 12th में, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी 11th में भी है, प्रोबेबिलिटी 12th में भी है। 3D का इंट्रोडक्शन 11th में है, 3D का एडवांस 12th में है, राइट। लिमिट एंड डेरिवेटिव 11th में है, उसका एडवांस पार्ट 12th में है। तो आप अगर फोकस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 40% सिलेबस जो है वो उसका बेस जो है वो 11th में छुपा हुआ है 12th का। तो ये 40% सिलेबस को अगर हमने कवर नहीं किया तो हम 12th के टॉपिक को भी कहीं ना कहीं वीक कर लेंगे। यानी 12th में परसेंट बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इन टॉपिक को रिवाइज करें। दूसरी बात, अगर हम ओवरऑल देखें तो जैसे 15 टॉपिक ये लिखे हैं, 13 ये लिखे हैं, इनके सब टॉपिक्स भी हैं, लगभग 30 टॉपिक्स मैथ्स के होते हैं। और अगर मैं एक टॉपिक को 1 वीक में कवर करता हूँ तो 30 टॉपिक्स को मैं कितने दिन में कवर कर सकता हूँ ये आप समझ सकते हैं, राइट। 210 डेज आपके पास मिल जाएंगे। अब 210 डेज मतलब लगभग आपके पास 7 मंथ रहेंगे, काफ़ी समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। तो 7 मंथ आप क्यों नहीं कर सकते, जबकि ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल बताया। करना क्या है वो समझिए। एक तो आप 11th के टॉपिक जब 12th का आप पढ़ाई करें, जैसे सपोज आप रिलेशन जब पढ़ें तो रिलेशन आप 12th का डायरेक्ट ना पढ़ें बल्कि 11th का पढ़ें। इनफैक्ट 12th की बुक में 11th का इंट्रोडक्शन दिया ही होता है, तो 11th से लेके 12th तक का रिलेशन एक साथ कर लें, ये आपके 12th में काम आने वाला है। ऐसे ही जब आप फंक्शन पढ़ें तो 11th का और 12th का फंक्शन कंबाइंड करके पढ़ें, राइट। ऐसे ही जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स पढ़ना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवीजन लगेगा ही, नहीं तो आप इन्वर्स कर नहीं सकते, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स को हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। आप भले ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल छोड़ सकते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस ये टॉपिक ना छोड़ें। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस सिंपल चैप्टर है, 1 वीक के अंदर आप ये दोनों टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जैसे मैं बोला था 1 वीक एक टॉपिक, पर कई टॉपिक ऐसे होते हैं हार्डली 2 डेज डिटरमिनेंट में, 2 डेज मैट्रिसेस में लगते हैं। फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें, कहीं पे घबराएं ना। मैंने पूरे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से बेसिक फाउंडेशन के साथ कवर करवाया। आप मेरे साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं हमारे स्टडी पैकेज से, तो इजीली आप 100 से 150 डेज में पूरा 11th 12th का सिलेबस विथ फाउंडेशन विथ 11th विथ 12th के साथ बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद आप JEE मेंस या NDA कोई भी पेपर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो डेफिनेटली बनेंगे, कोई डाउट ही नहीं। और आपने देखा है मैंने मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डाले, एक्चुअल क्वेश्चंस के, वो आपको कितने सिंपल तरीके से करवाएं ये आपको समझ में आता है। आप मैसेज भी लिखते हैं कि सर इतना सिंपल तरीका भी हो सकता है, ये तो दिमाग में आते ही नहीं। पर उसके लिए ज़रूरत होती है कि हम अपने फाउंडेशन को अच्छा करें, पूरा 11th पूरा 12th करें। तो अब बात आती है कि आपको करना क्या है, किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोशिश करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये बेस टॉपिक है याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, लीनियर इनइक्वालिटीज हुई। अब मान लीजिए आपको इनइक्वालिटीज नहीं आती, इनइक्वेशन नहीं आता, तो आप आगे जाके मैक्सिमा मिनिमा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कंसेप्ट लगते हैं मैक्सिमा निकालने के लिए, मिनिमा निकालने के लिए। तो जितने बेस टॉपिक हैं वो 11th में हैं और जितने एडवांस टॉपिक हैं वो 12th में। इसलिए वो सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा जिन्होंने 11th में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए, उनको भी 11th के टॉपिक्स को कवर करना है,
बस इतना अंतर होगा कि अगर मैं 12th के किसी टॉपिक में 200 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 11th के उसी टॉपिक में मैं 10 से 15 क्वेश्चन करूँगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम कम करके थ्योरी पे कंसेप्ट बनाऊँगा। और अगर आपके दिमाग में आता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ड्रॉप कर दूँ तो मैं बोलूँगा ये बिल्कुल टाइम नहीं, ये सब तो जनवरी वाले बच्चों के लिए होता है। मैं ये सेशन आपके साथ बिल्कुल स्टार्टिंग में ले रहा हूँ जब आप 11th क्लास से मूव करके 12th में जा रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये थॉट अगर आता है कि पहले हम 12th करें फिर कॉम्पिटेटिव करें तो मैं बोलूँगा नहीं, 11th 12th के साथ कॉम्पिटेटिव को फोकस करना है। तो आपको करना क्या मैं बताता हूँ, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, राइट। पर फंक्शन जब तक मत पढ़ना जब तक कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। तो अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। नंबर वन आप ऑर्डर लिखिएगा, ये बेस टॉपिक है, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे आखिरी में करने वाला टॉपिक होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, सिक्वेंस इन सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये चार टॉपिक जरूर आप रिवाइज कर लें। इसके बाद अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सपोज हम यहाँ पर बात करें 12th की, ये चार फोर टॉपिक्स को आप बीच में कभी भी रिवाइज कर लीजिए। अगर आप 12th की बात करें तो आप सबसे पहले मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट को कंप्लीट करिएगा, सिंपल टॉपिक हैं, दो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप आगे भी बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद अगर आप रिलेशन करते हैं तो पहले 11th का रिलेशन करना फिर 12th का। अब आती है बात फंक्शन की या इन्वर्स की, तो आपको क्या करना बताता हूँ, क्योंकि कैलकुलस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं करते, इसलिए 12th में जिनका 11th मैथ अच्छे से नहीं होता उनका 12th मैथ और इसलिए बिगड़ता है क्योंकि वो 11th मैथ के कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम आप लोग करिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़, उनके पूरे फॉर्मूले बहुत क्लियर होना चाहिए कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या है, टेन 3a का फॉर्मूला क्या है, 1+ साइन a को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलेज क्या है, ये पूरे फॉर्मूले आपने रिवाइज किए, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का रिवाइज किया। उसके ठीक बाद ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ठीक बाद आपको फंक्शन पढ़ना होगा और 11 से स्टार्ट करके 12th के एंड तक जाना है। फंक्शन पढ़ने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़िएगा। अगर आपने ये काम नहीं किया फंक्शन पढ़ने के, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन पढ़ने के पहले अगर आपने इनवर्स किया तो इनवर्स टॉपिक आपको नहीं बनेगा। इनवर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो आप जब मेरा देखेंगे तो आपको लगेगा उसमें इनवर्स कम मैं फंक्शन ज़्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि पूरा बेस उसका डोमेन रेंज पर बेस्ड होता है। इसलिए तो आपको क्या करना है कि पहले आपने पूरा ट्रिग्नोमेट्री निपटाया, 11th का आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मत करिए, बस फॉर्मूले का रिवीजन कर लीजिए और हर फॉर्मूले से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करिएगा। 1 वीक में हार्डली आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे। उसके बाद फंक्शन पे आइए, तो 11th का फंक्शन, 12th का फंक्शन, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़िएगा पूरा। पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने के बाद फिर आप आइएगा लिमिट एंड डेरिवेटिव पे, राइट। लिमिट एंड डेरिवेटिव इनवर्स में आपको बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड है, आप जल्दी कर पाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो फटाफट क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, लिमिट एंड डेरिवेटिव कहाँ का, 11th का। अब देखो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 11th भी करते जा रहे हैं 12th का भी। लिमिट एंड डेरिवेटिव के बाद आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे, यहाँ पर डिटेल में चले जाएंगे, यहाँ पर बेसिक कवर करेंगे। देन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बाद बेसिक डिफरेंशिएशन यहाँ कर चुके हैं, एडवांस डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिखा, अदरवाइज डिटेल भी इनके डिटेल टॉपिक में बोलता जा रहा हूँ। देन उसके बाद आप करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, ये पूरा करने के बाद राइट एक तरह से आप देखें तो आपका पार्ट वन कंप्लीट हो गया। और इसमें अगर आप मेरे सेशन को सुनने के बाद मेरे तरीके से आपने एक्शन लिया तो हार्डली 3 मंथ्स में आप पार्ट वन पूरा कंप्लीट करके इसका भी करीब करीब 3 से 4 टॉपिक कर लेंगे। देन मूव इन पार्ट टू, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रैक्टिस करिए। इनडेफिनेट इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब होता है डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा कंप्लीट करिएगा राइट। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे वेक्टर अलजेब्रा पे। वेक्टर अलजेब्रा का पूरा बेसिक अच्छे से कवर करने के बाद 11th की बुक पे आइए और इंट्रोडक्शन ऑफ 3D करिए। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D के बाद एडवांस लेवल की 3D आप 12th से करेंगे, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन मिलेगा। ये पूरा करा, उसके बाद आप सेट थ्योरी पे आइए। सेट थ्योरी के बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, ये सब रिलेटेड है, सेट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। फिर आओ 11th की प्रोबेबिलिटी पे, और 11th की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने के बाद फिर आना है आपको 12th की प्रोबेबिलिटी पे। इस तरह से इनडायरेक्टली आप 11th का सिलेबस करेंगे और 12th का डिटेल में कवर करेंगे। ये करने के बाद फिर आप 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग कर लीजिए, ये केवल आपको स्कूल एग्जामिनेशन में काम आने वाला है।
ट्वेल्थ का लीनियर प्रोग्रामिंग करने के बाद अब आपके पास कितना टाइम है वो देखना है, क्योंकि यहाँ का एक बहुत बड़ा सेक्शन छूटा हुआ जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं की थी। वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि अगर आप इसमें उलझ गए तो आप ट्वेल्थ के टॉपिक नहीं कर पाएंगे, और कई बच्चे इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ट्वेल्थ के साथ इलेवंथ की, अगर हम वो जब इलेवंथ की कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं ट्वेल्थ की कैलकुलस, इसलिए वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को कभी नहीं कर पाते। इसलिए मैंने अभी तक कोऑर्डिनेट की बात नहीं की। जब तक आप पूरा ट्वेल्थ का सिलेबस प्रॉपरली कवर ना कर लें, इलेवंथ के कोऑर्डिनेट पे मत मूव करिएगा। अगर आपने ये करा तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, और लोग यही करते हैं, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि ट्वेल्थ के साथ इलेवंथ का मैथ्स नहीं हो सकता। मैं ट्वेल्थ के साथ इलेवंथ के वो टॉपिक का मैथ्स बोलता हूँ करने के लिए जो रिलेटेड है ट्वेल्थ से। अब जब आपका एक बार ट्वेल्थ का सिलेबस हो गया, देन फिर आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाएं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये कंप्लीट करें। बट जब पूरा ट्वेल्थ का सिलेबस हो जाए, और नहीं हुआ हो मान लो सिलेबस तो मत करो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर कोऑर्डिनेट जब भी करना, और कोऑर्डिनेट करने के बाद एक टॉपिक आप ध्यान दो, मैंने छोड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बाद में करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट के भी कंसेप्ट लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी, पोल पोलार, कार्टेशियन सिस्टम सब यूज होता है। उसके बाद ही कॉम्प्लेक्स नंबर करें, और कॉम्प्लेक्स नंबर को तो बहुत डिटेल में करना होगा क्योंकि जेई मेंस में एडवांस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आपको कहीं कुछ उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स तो आप कभी भी पढ़ लें, इलेवंथ की बहुत ही सिंपल होती है, जब आप पेपर देने वाले उस समय कर लें। अगर आपने एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में स्टडी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आप डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने इलेवंथ का मैथ्स बहुत अच्छे से करा है उनके लिए भी यही रूल है, और जिन्होंने नहीं करा उनके लिए भी यही रूल है। तो सबसे पहला मैं आप सबको बोलूँगा कि आप ट्वेल्थ के साथ कॉम्पिटिटिव को ड्रॉप ना करें। हाँ, ट्वेल्थ में 95% की तैयारी करें, 95+ की करें, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। जो जो टॉपिक इलेवंथ के छूटे मैंने जो ऑर्डर बताया उसी ऑर्डर में पढ़ें तो फ़ायदा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे लास्ट में कवर करें, कहीं कन्फ्यूज ना हो, डरे ना, स्कूल जाते हैं तो भी टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर रखें, और सोचना बंद करें, एक्शन लें। इलेवंथ में जितने लोगों ने सिलेबस जिनका कवर अच्छे से नहीं हुआ या इलेवंथ बिगाड़ा है, उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आप सोचते रहे करा नहीं। जब तक एक्शन नहीं लोगे जब तक कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप तैरना सीख जाओ, अच्छे स्विमर बन जाओ, तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, और पानी में रहोगे तो ही एक दिन स्विमिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। वही बात यहाँ पर है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो इस सेशन के बाद मैं आप सबको, आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे भेजिए, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 1 ईयर का टाइम है। 1 ईयर बहुत अच्छा समय होता है, 365 डेज के करीब आपके पास हैं। अगर आपने भले ही इलेवंथ कितना भी बिगाड़ा हो, अभी भी बिगाड़ने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ ना पढ़ा होगा, 40-50-60% 70% जितना भी पढ़ा वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना पढ़ा हो, बस हो सकता आपके अप टू द मार्क नहीं हो, तो वो आप अभी करेंगे। तो इस 1 ईयर को ऐसे यूटिलाइज करो कि लाइफ में कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। सिस्टमेटिक पॉजिटिव वे में एक्शन प्लानिंग के साथ तुरंत आप पढ़ाई चालू कर दें, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, और 30 मिनट का कोई वर्कआउट जरूर करें। मैं हर सेशन में बात बोलता हूँ, रनिंग, बैडमिंटन, स्क्वाश, कोई भी एक गेम जरूर पकड़ लें, और मोबाइल गेम बिल्कुल बंद कर दें। मोबाइल मीडिया से जितना इंटरनेट से दूर रह सकते रहें, क्योंकि ये साल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। ट्वेल्थ में एक बार परसेंट बिगड़े या ट्वेल्थ में आप कहीं डाउन हुए तो फिर आपको आगे तक प्रॉब्लम होगी। तो बेटर ये है कि राइट टाइम पे राइट एक्शन ले लें। इनफैक्ट मैं आप सभी ट्वेल्थ वालों को बोलूँगा, कहीं ना कहीं आप में से जिनने इलेवंथ बिगाड़ा है ऑब्वियसली वो थोड़ा तो लेट हो गए, क्योंकि अगर हम आज देखें तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 9th 10th से प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिन्होंने 9th 10th से नहीं की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर 11th में आने के बाद तो करते हैं बहुत लोग, और वो सही समय वही होता है। पर अगर वो समय निकल गया है तो उस पर आश्वस्त करने से अच्छा है कि रिमेनिंग डे में आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लें। देखिए, एक सिंपल फॉर्मूला मैं बोलता हूँ बच्चों को कि अगर एक साल निकल गया तो उसको कैसे कवर कर सकते हैं, एक ही तरीका है। एक बच्चा जो 11th से पढ़ाई कर रहा है वो हर दिन 4-4 घंटे पढ़ाई करता है, आप 12th के साथ 6-7 आवर पढ़ें तो जो पीछे का निकला हुआ समय आपका कवर हो जाएगा, राइट? यानी अगर कोई 100 किलोमीटर आगे निकल गया है और आप भी दौड़ रहे हैं और वो भी दौड़ रहा है, तो उसको आप जब ही कैच कर सकते हैं। जितना जब वो दौड़ रहा है उतना तो दौड़ना ही है, पर जब वो नहीं दौड़ रहा, जब भी दौड़ेंगे तो ही आप उसे कैच कर सकते हैं, नहीं तो कभी भी नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी कि अगर हमें वो बच्चे जिन्होंने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है उनसे भी आगे निकलना है तो हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और जिन्होंने 11th अच्छे से करा है उन्हें और कोशिश करना चाहिए कि 11th के टॉपिक्स पे कंसेप्ट बनाएं।
कोई समय कभी नहीं निकलता, जिस दिन आप जागोगे उसी दिन सवेरा है। बस मेहनत करना मत छोड़िए, पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए, डेफिनेटली आप अच्छा रिजल्ट देंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम डाउट हो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिए, उससे रिलेटेड सेशन में फिर जल्दी से जल्दी लूँगा, क्योंकि अब समय आ गया कि अगर आपने अपना अगला एक साल दे दिया तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट आप इस सेशन को याद करोगे कि हम कहाँ सोचे थे कि हम ट्वेल्थ पे फोकस करें, और ट्वेल्थ के साथ साथ हमने ट्वेल्थ तो निकाला ही, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अच्छी रैंक निकाली, ये बात बिल्कुल पक्की है। जो लोग ये बात मानेंगे वो इस बात को बोलेंगे एक साल बाद, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। पॉजिटिव माइंड से एक्शन लेके पढ़ाई चालू करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।